और एक बार उसने मुझको बंदर कहा था यारो, करतब दिखा रहा हूँ अब तक उछल उछल। 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। पर वो चेहरा सवाल हो जाता है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कौन सा वो प्रोग्राम है जिसमें कविता और शायरी है? कौन सा वो प्रोग्राम है जिसमें भाषा और संस्कृति की बात है? तो एक बार मिलकर कहते हैं सेलो प्रेजेंट्स, वाह भाई वाह। आइए मिलकर कुछ ऐसा करें कि ये शाम हसीन हो जाए, खूबसूरत हो जाए और जिंदगी हसीन तर हो जाए, बेहतर हो जाए और खूबसूरत हो जाए। अब खूबसूरती से मुझे याद आ गया, एक साहब अपनी बेगम के पास बैठे हुए थे। अचानक बेगम को लाड़ आया। ये औरतों को लाड़ अचानक आता है, कोई टाइम नहीं देखता, कोई कॉल बेल नहीं बजाता, आ जाता है बस लाड़। सुनो ना, मैं इतना मुंह टिलाने की क्या जरूरत थी, मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैं फिल्मों में भी देखता हूँ जब बैठता। सुनो ना, आंखें और होठों का ये क्या करना, सीधा बोलो सुनो ना भाई, सुनो ना। खैर, इसका वैज्ञानिक कारण जो भी हो या कोई रासायनिक कारण हो, लेकिन उसने किया। सुनो ना, हमारे लिए चांद ला दोगे क्या? अभी क्या डिमांड है, वापस बोल, चांद ला दोगे क्या? अच्छा, उसने कहा आंखें बंद कर और दूसरे कमरे में उठ के गया और एक चीज उठा के लाया, और कब आंखें खोल ले, चीज उसके हाथ में रख दी। अब चीज उसके हाथ में रखी, उसने आंखें खोली तो वो एक आईना था और उसे उसकी सूरत उसमें नजर आई। तो पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। हाय, मुझसे कितना प्यार करते हो तुम, मुझे चांद मानते हो। हाय, अरे मैं इसलिए आईना लाया हूं कि एक बार देख ले, जिस मुंह से चांद मांग रही अपना मुंह भी देख पहले थोड़ा सा। पत्नी नाराज हो जाती है ऐसी बात पे, जैसे एक आदमी की बीवी उससे इस बात पे नाराज हो गई, बेचारे को पीट डाला। एक इतनी सी बात थी। लोग कहते हैं पति फराग दिल नहीं होते, मतलब उनका विशाल हृदय नहीं होता है, इसने विशाल हृदयता दिखाई, उसमें पीट डाला। पति बोली सुनो ना, मुझे 2,000 रुपए दो, ब्यूटी पार्लर जाना है। इसने तुरंत 10,000 दिए, दो में तेरा क्या होगा, 10 लेके जा चप्पल। 2 में सूरत ठीक नहीं हो सकती। खैर, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जिंदगी में, ये तो मजाक की बातें हैं। लेकिन आदमी खूबसूरत हो ना हो, लेकिन उसके मन का बड़ा अच्छा होना चाहिए। और जो कवि लोग होते हैं, शायर लोग होते हैं, मन के बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए तो उनकी कलम की नोक पे कविताएं उभरती हैं, जो पृष्ठ पे उतरती हैं, और जो पृष्ठ पे उतरती हैं और फिर आपको सुनाई जाती है, जब आपको सुनाई जाती है तो आप उनके लिए कहते हैं वाह भाई वाह। और वाह भाई वाह, ऐसा मंच है जहां नई प्रतिभाओं को इतना मौका देते हैं कि वो देश के किसी कोने, किसी जिले, किसी गांव, किसी कस्बे, किसी बस्ती में हो, हम उसे लेके आते हैं और उन्हें लाके यहाँ पे उनसे कविताएं सुनाते हैं। वैसे एक ऐसा है जिसे बरसों पहले मैंने एक कार्यक्रम में छुपा रुस्तम के तौर पे बुलाया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो कहाँ जहाज चला गया, लेकिन उनसे हमने ढूंढा कि वो कहाँ है। का नाम है जहाज देवबंदी, जो हमारे साथ है। और आज तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है, ये सौरभ जायसवाल है। क्या हंस परिचय में, ये सौरभ जैसा लगा जैसे जो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे परिचय मेरा हो रहा है ना सौरभ जैसे। ये सौरभ जायसवाल है जो हमारे बीच में, कहां से आए जरा माइक उठाओ। हम गांव दोस्तपुर से आए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम मतलब कौन कौन आए? मैं छोटे से गांव दोस्तपुर से आया हूँ। अब छोटा सा गांव और फिट करते, हर बार कुछ ना कुछ फिट करना जरूर है। कितना छोटा गांव है, कितने लोगों की आबादी है दोस्त? सर 1,100 अप्रोक्स रहते हैं। 1,100 की आबादी का एक गांव दोस्तपुर, और वहां से वाह भाई वाह और शैलेश लोढ़ा एक बना दोस्त और उन्हें लेके आया
उस छोटी बस्ती छोटे गांव से आके हम प्रतिभा को मौका दे रहे हैं सौरभ जायसवाल इनका। और उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला है जिसमें धानीपुर से आते हैं संदीप सोनी हमारे बीच में, जो मोहब्बत की शायरी करते हैं और मजाइया शायरी भी करते हैं। आइए बोले महफिल को आगे बढ़ाते हैं, और जिसका नाम जहाज, अरे तुम माइक दो, उसका नाम जहाज क्यों रख दिया तुमने अपना यार ना? जहाज जी, अरे हाँ बहुत लंबा जहाज है, जैसे लगे कि वागे कुछ आ गया। तो कितना लंबा जहाज है यार, मतलब आदमी को नाम सुनते ही हंसी आनी चाहिए। अच्छा जहाज के आदमी भी जहाज हो सकता है, भाई हमने तो हवाई जहाज सुना था, तो ये हसाई जहाज है। आओ जहाज देवबंदी जोरदार तालियों के साथ। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो शैलेश जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया। मैं सबसे पहले सर से इजाजत ले लूं। इरशाद, सबसे पहले मैं अपनी शान में चार लाने पढ़ूंगा। अच्छा सुने के फासले सब के सब मिटा डालूं, फासले सब के सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं और लेके उड़ जाऊं सब हसीनों को, काश ऐसा जहाज हो जाऊं। बहुत बढ़िया। सुने के राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं, और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। अच्छा किसी की महबूबा अगर उसे कुछ बता देती तो वो ऐसा ही बन जाता है, या उसको कुछ कह दे तो वो यही काम करने लगता है। अब मेरी महबूबा ने मुझे क्या बताया, चार मिसरे सुने कि बेचैन बेसबब हूँ या इश्क का जुनू है, हर रात कट रही है करवट बदल बदल के, हर रात कट रही है करवट बदल बदल के, और एक बार उसने मुझको बंदर कहा था यारो, करतब दिखा रहा हूँ अब तक उछल उछल। बहुत बढ़िया। अच्छा साहब आपने स्पीड देखी होगी बहुत, अब मेरी स्पीड आप देखें कि मैंने अपनी स्पीड में क्या बनाया। सुने कि मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया। अच्छा चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया। मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया, चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया, और पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। बहुत बढ़िया जान, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। अब देखे साहब के ठहरी ठहरी सी मुसीबत पे रवानी आई, इश्क में याद हमें दोस्तों नानी आई, और मुद्दतों बाद गई बीवी हमारी मई के, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी। बहुत बढ़िया। और ये भी चार मिसरे सुन लें के मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती, मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती, और पुलिस वालों में मुझ में फासला बस 2 कदम का था, अगर मैं हाथ आ जाता तो नानी याद आ जाती। बहुत बढ़िया जहाज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सुरैया के बाप को छत से धक्का है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे में तो पुलिस के हाथ आना ही था जहाज, लेकिन जहाज देवबंदी ने बड़ी कमाल की शुरुआत की, बड़े सहज अंदाज से। आइए उस लड़के को बुलाता हूँ, सौरभ जायसवाल, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ आदरणीय शैलेश सर को, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मंच है, आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ आपको हंसाने के लिए, आपकी होठों पे मुस्कान लाने का। इन लोगों के बीच में नहीं, तुम आज करोड़ों लोगों के बीच में उपस्थित हो, सारी दुनिया तुम्हें सुन रही है सौरभ, और आज तुम्हारा गांव तुम पे गर्व करेगा, जो 1100वीं आबादी का गांव जो है वो कहेगा कि हमारा बेटा आज टेलीविजन पे है और सारी दुनिया को कविता सुना रहा है। सुनाओ सौरभ। कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया है, कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका,
मैं यहाँ पर सर 10,000 की जगह पे 10 लाख भी यूज कर सकता था, लेकिन वो 10 लाख ना हमारी औकात को मैच नहीं कर रहे थे। ईमानदारी है। हाँ, तो इसीलिए वो हमारे हमारे हिसाब से 10 लाख मैच ही नहीं कर रहा था। 10,000 पे वैसे तो मैच नहीं कर रहा, पर ठीक है। कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। बहुत बढ़िया तरीका, अपने आप बैंक वाले ढूंढेंगे, बहुत अच्छे। अच्छा, हमारे साथ सर घटनाएं होती रहती, मैं घटनाओं से बना कवि हूँ। अभी हमें लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने तुरंत गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा भाई हमें तो अभी और जीना है, या तो ये गाना निकाल दो या हमें बस से उतार दो। बस वाला था उत्तर प्रदेश परिवहन का, हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया। गाने लिखने वाले लोग सिर्फ प्रैक्टिकल लिखते ही नहीं, प्रैक्टिकल चीजें तो हास्य के कवि सुनाते हैं। अब किसी ने वो लिख दिया कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब जरा आप बताइए, किसी की जुल्फे लहराने से अगर बरसात होती तो क्या बुंदेलखंड में सूखा पड़ता? वो किसी ने लिख दिया कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। हमने कहा अगर लड़की अखियों से गोली मार रही तो 36 रफाइल खरीदने क्या जरूरत है, बॉर्डर पे ले जाके हम लड़कियों से गोली मरवा देते। प्रैक्टिकल सुनाना चाहिए। वो किसी ने लिख दिया कि उसकी आंखें नहीं झील है। हमने कहा सर अगर उसकी आंखें झील है तो झीले क्या है, पेन उसकी जुल्फे नहीं घटा है। हमने कहा उसकी जुल्फे घटा वटा कुछ नहीं है, जो मेरे जीवन में घटा है वो हम आपको सुनाते हैं। सुनाओ। कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। प्रैक्टिकल बात है, ये प्रैक्टिकल कविता होती है, तो इस तरीके का लोग सुनाते ही नहीं। मैं और आपको प्रैक्टिकल सुनाता हूँ कि देख, मैं बिल्कुल अपने दादाजी का चरित्र चित्रण सुना दूं कि दादाजी भी जब गांव में सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी, कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी, नैनों से नैना मिले जुड़ गए बाबूजी, और सुंदरी ने पैर एक्सीलरेटर पे क्या रखा, पलक झपकते उड़ गए बाबूजी। करोड़ों लोगों का दर्द यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ कि एक दूल्हा और दुल्हन दोनों संवाद कर रहे थे। उस संवाद से मैं आनंद निकालता हूँ कि तुम करती थी फैशन डिजाइन पर सिलाई नहीं करती थी। ये दूल्हा अपनी दुल्हन से कह रहा है। अच्छा। कि तुम करती थी फैशन डिजाइन पर सिलाई नहीं करती थी। शादी के कितने दिन बाद हो रहा है संवाद? डिपेंड करता है। हाँ, ये वही 15-20 दिन की बात थी। अच्छा, पहले 15-20 में वैसे संवाद नहीं होता है। कि तुम करती थी फैशन डिजाइन पर सिलाई नहीं करती थी, वो बात और है कि क्लास लेने में ढिलाई नहीं करती थी। दुल्हन ने कहा कि तुमको ये सब कैसे पता? तो दूल्हे ने अपना इनबॉक्स दिखा के कहा, तुम थी तो मेरी लिस्ट में पर कभी रिप्लाई नहीं करती थी। अंतिम चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। अच्छा, और भी सुना देता हूँ सर। कि बड़ा दुख दर्द भरा मंजर हो जाएगा, इस बार उसका भी स्वयंवर हो जाएगा, गम इस बात की नहीं कि उसकी शादी है, दुख इस बात का है कि उसका चेंज नंबर हो जाएगा। आए, आए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात। बहुत बढ़िया सौरभ, मुझे खुशी है कि मैं तुम जैसी प्रतिभाओं को ढूंढ पा रहा हूं और यहां तक लेके आ रहा हूं, और ये जो प्यार तुम्हें मिला है, ये प्यार अब सारी दुनिया और देश से मिलेगा कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक ऐसा लड़का है जो छोटे से गांव में रहता है, और जो तुम इस वक्त ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो मन ही मन, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि यहां तक आने में लोगों को जमाने लग जाते हैं और तुम यहां पहुंच गए, इसलिए मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूं। तुमने कहा उसका चेंज नंबर हो जाएगा, लेकिन आज से तुम्हारा नंबर बदल गया है दोस्त। अब तुम्हारा नंबर बड़ा व्यस्त रहने वाला है, तुम्हारा नंबर तकदीर के नजर में बदल गया है, क्योंकि कल तक तुम सौरभ जायसवाल थे जिसे लोग नहीं जानते थे, आज से हर व्यक्ति ये कहेगा कि इसका नंबर जरा लाओ, हम इसे बुलाना चाहते हैं। सौरभ, तुम्हें बहुत बहुत बधाई।
और एक ऐसी प्रतिभा से हम आपसे मिलवाएंगे, वो लड़का जब पढ़ेगा तो आप कहेंगे कि भाई ये मासूम सा दिखने वाला युवा न जाने कहाँ छिपा हुआ था, लेकिन छिपी हुई प्रतिभाओं चिंता मत करो, हम खड़े हैं, हम आपको ढूंढ के लेके आएंगे। तो हम उसे ढूंढ लाए हैं जिसको हमने बुलाया है धानीपुर गांव से, जो गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश में है, और संदीप सोनी के पास अपना एक अलग अंदाज है। आइए इस युवा का स्वागत करें जोरदार तालियों से। आप सबको धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय शैलेश सर को धन्यवाद करता हूँ। सीधे सीधे आपको पंक्तियों से जोड़ता हूँ। सुनाओ संदीप। भाग्य अपना मैं जगाना चाहता हूँ, भाग्य अपना मैं जगाना चाहता हूँ, जिंदगी भर मुस्कुराना चाहता हूँ, जिंदगी भर मुस्कुराना चाहता हूँ। अपनी एक पहचान की सिंदूर से, अपनी एक पहचान की सिंदूर से मांग मैं तेरी सजाना चाहता हूँ, मांग मैं तेरी सजाना चाहता हूँ। तुमने औरों के सहारे कर दिया, गम सभी मेरे हवाले कर दिया, गम सभी मेरे हवाले कर दिया। एक पल तुमसे किनारा क्या हुआ, एक पल तुमसे किनारा क्या हुआ, तुमने तो मुझको किनारे कर दिया, कर दिया, दिया। वाह वाह संदीप। तुमने तो मुझको किनारे कर दिया, तुमने तो मुझको किनारे कर दिया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, वहाँ पे कई लड़के एग्जाम की तैयारी करते हैं और यूपीएससी को लेकर उनका मानना अपना होता है कि अगर हिंदी को मान्यता मिल जाए तो हिंदी में ज़्यादा बच्चे निकलेंगे और इंग्लिश में मिल जाए तो इंग्लिश के ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन यूपीएससी के प्रश्नों को लेकर मेरा अपना क्या दृष्टि है सुनिएगा। यूपीएससी में उन लोगों को बता दूँ, नई पीढ़ी के बच्चे जो शहरों में रहते शायद नहीं जानते, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके तहत जो एग्ज़ाम होते हैं उससे आदमी IAS IPS और IRS बनता है, तो देश के सबसे कठिनतम इम्तहानों में से एक माना जाता है वो UPSC। काश ऐसा कमाल हो जाता, काश ऐसा कमाल हो जाता, इश्क में मैं गुलाल हो जाता, इश्क में मैं गुलाल हो जाता। अपनी प्रेमिकाओं का नाम रखते हैं मोहब्बत में बाबू सोना, लेकिन जब मेरी बारी आई कि अपनी प्रेमिका का क्या नाम रखा जाए तो सुनिएगा। धड़कने तेरे नाम लिख देता, धड़कने तेरे नाम लिख देता, तुमको मैं सुबह शाम लिख देता, तुमको मैं सुबह शाम लिख देता। सारी दुनिया शराब हो जाती, सारी दुनिया शराब हो जाती, वरना तुमको मैं जाम लिख देता, वरना तुमको मैं जाम लिख देता। और अपनी अंतिम पंक्तियां लेकर मैं पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूँ। हाँ संदीप। कुछ भी गढ़ने का मन नहीं करता, तुझसे लड़ने का मन नहीं करता, तुझसे लड़ने का मन नहीं करता, प्यार का जब से खत पढ़ाते
मत पढ़ा तेरा, पढ़ा तेरा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता है। खूब खुश रहो, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। प्यार से प्यार का खत जब पढ़ा तेरा, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता, क्या बात है संदीप। लेकिन मन तो हमारा करता है कि हम और सुने, खूब सुने। कहानी थोड़ी इल्मी है, पहले देख लेते हैं। ओहो हो, और ये कैच लेने के लिए, ओहो भाई साहब तो बाहर ही निकल गए बाउंड्री लाइन के। किसी को कुछ याद आता है? ये बना दिया है मुझे चोर तेरी चाहत ने। अच्छा, बना दिया है मुझे चोर तेरी चाहत ने, मैं हर दुकान का गल्ला उठाए फिरता हूँ। बना दिया है मुझे चोर तेरी चाहत ने, मैं हर दुकान का गल्ला उठाए फिरता हूँ, और तुम्हारे हुस्न की स्पिन को खेलने के लिए मैं अपने इश्क का बल्ला उठाए फिरता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और जैसा कि कहानी थोड़ी इल्मी में जहाज से बंदी ने ये कहा कि भाई इश्क का बल्ला उठाए फिरता हूँ, भाई मुझे नहीं मालूम बल्ला किसी भी चीज का हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो वाह भाई वाह का जो बल्ला है ना, इसे आप चलाएं, और जितने गम हो, जितनी परेशानियां हो, जितने दुख हो, जितने विषाद हो, सबको बाउंड्री लाइन के पार भेज दें, और इस पिच पे सिर्फ जिंदगी की पिच पे एक ही चीज बचे, और वो हंसी, और जिसके लिए हम कहें वाह भाई वाह भाई।